गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राउरकेला के रथ यात्रा के बारे में। सो फाइनली मैं आके पहुंच गई हूँ सेक्टर 3 जहाँ की राउरकेला का फेमस रथ यात्रा होता है। एंड आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा सब लोग आ गए हैं, मैं भी आ गई हूँ। और अभी बज रहा है एग्जैक्टली 4 बज रहा है, तो चलिए अभी दिखाती हूँ रथ यात्रा यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट हो रहा है एंड क्या क्या हो रहा है। सो ये गाइस आज के ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग बनाते बनाते एक सब्सक्राइबर मिल गया, क्या नाम हो आपका? सोनालिका। सो हाय आंटी, दोनों घूम रहे थे। तो आपका भी एक यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ मेरा भी है, जस्ट ड्रॉप चैनल का नाम है, ब्लॉगिंग करती हूँ। प्लीज इनको भी सपोर्ट करो और आगे लेके जाओ, बहुत सारा प्यार दिखाओ। तो थैंक यू सपोर्ट। दीदी को भी सपोर्ट कीजिए, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। दीदी का हर वीडियो में देखती हूँ और सबको देखना भी चाहिए, बहुत अच्छा वीडियो करते हैं। थैंक यू। एंड गाइस बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ है और भी रथ सब आ रहा था, हम लोग यहीं पे खड़े हैं। धीरे धीरे आप लोगों को दिखाएंगे। सो गाइस पूरा 2 साल के बाद हमारे उड़ीसा में, आउट ऑफ उड़ीसा इंडिया में रथ यात्रा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये रॉ फीलिंग्स आप लोग सब देखो, वहाँ पे लोग कितना एक्साइटेड थे, कितना भक्ति से मतलब रथ यात्रा में आए थे, इतने सारे लोग आए थे, इतना भीड़ था, लिटरली लोगों को गर्मी ठंडा का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं भी चाहती हूँ कि बस आप लोग घर बैठे इस रॉ फीलिंग्स को देखो एंड मजा लो। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में आगे में आप देखते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड मैं सेक्टर 20 भी जाने वाली हूँ। ये है सेक्टर 20। ये देख लो कितना ज्यादा भीड़ है। एटा कोड़ा तो गला गितियो सुभद्रा सुभद्रा बड़ा भद्रा गले। तो गाइस अभी आ रहे जगन्नाथ जी, वो देख लो दूर में, पता नहीं मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं, बट आप लोग देख लो कितना ज्यादा भीड़ है। एंड इतना दिनों बाद फाइनली हमारे राउरकेला में कोविड की सिचुएशन के बाद रथ यात्रा हो रहा है। मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ, लाइक फाइनली रथ यात्रा हो तो रहा है एटलीस्ट यहाँ पे। सो गाइस फाइनली मु कालिया आसी बड़ दंड को, आज कालिया आसी बाहर को, आप लोग देखिए सब। बोलो जगन्नाथ स्वामी जी, बोलो जगन्नाथ स्वामी जी, हरि बोला हरि बोला। हे करो करो हम तो करो हम तो करो बसी छ मऊ न होई
वैसे तो रथ यात्रा राउरकेला का हर एक जगह पे हो रहा है। बासंती कॉलोनी में अलग होता है, छेड़ में अलग होता है, कोयल नगर में अलग होता है, हर जगह पे होता है। इवन इफ कि मैं जहाँ पे रहती हूँ पुरना पानी, वहाँ पे भी होता है। बट एक्चुअली ये जो प्लेस है ना, सेक्टर 3 का जो जगन्नाथ मंदिर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं इसका भी अलग से ब्लॉग बनाई हुई हूँ। तो ये वाला रथ निकलता है सेक्टर 2 से एंड स्ट्रेट स्ट्रेट जाता है कोयल नगर एंड आंबागान का जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर रहता है। क्योंकि बोला जाता है ना, जगन्नाथ जी जिस दिन बाहर निकलते हैं घूम फिर के अपने मौसी के यहाँ जाते हैं एंड एग्जैक्टली 9 डेज बाद वहाँ से रिटर्न आते हैं, उसको बोलते हैं बावड़ा यात्रा। होपफुली मैं उस दिन भी अवेलेबल हूँ एंड रहूँगी भी और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनाऊँगी। तो गाइस ये तो मतलब देखिए, छोटा सा बेबी कैसे लैवेंडर कलर का बलून बेच रहा था। मैं उसको रिकॉर्ड की थी इन दोनों का कन्वर्सेशन, फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा वॉइस ओवर करते, आप लोग से बातें भी करते। लिटरली गाइस जब मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, मुझे गूस बम्स आ रहे थे देख के, क्योंकि वहाँ का जो रॉ फीलिंग्स है यार, मैं बोल नहीं सकती हर चीज़ ना, मैं मतलब कन्वे नहीं किया जा सकता। बस आप लोग देख रहे होंगे तो आपको प्रॉपरली फील हो रहा होगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि वीडियो के थ्रू आपको ऐसा लगे कि आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट थे एंड सब कुछ चीज़ें फील कर रहे थे, इसीलिए ही मैं वॉइस ओवर नहीं दे रही हूँ। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग आके पहुँच गए हैं पानी टांकी के पास, जो कि कोयल नगर का चौक है। लिटरली आप लोग देख लो कितना ज़्यादा भीड़ है। आई स्वेयर मैं आप लोगों को बस अभी भीड़ दिखा रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब 2 साल के बाद लिटरली लग रहा है कि दुर्गा पूजा हो रहा है। एनीवेज दुर्गा पूजा भी आने वाला है, देखेंगे तब क्या करेंगे। तो अभी यहाँ से हम लोग और आंबागान नहीं गए, क्योंकि हम लोगों को 2 जगह रथ यात्रा अटेंड करना था। और अभी मैं अपने मतलब भतीजी के साथ यहाँ पे घूम रही थी, फिर हम लोग सेक्टर 20 चले गए थे। तो अभी सेक्टर 20 वाला भी रथ यात्रा का थोड़ा सा क्लिप मैं इसके साथ मर्ज की हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में। 2 रथ यात्रा, एक सेक्टर 2 का जो कि काफ़ी फेमस है एंड सेक्टर 20 का भी, वो 3 रथ ही चलता है अलग अलग, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीनों भगवान जी के लिए। और देखते हैं, अगर कभी किस्मत रहा तो पूरी जगह भी डेफिनेटली ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी चलते हैं सेक्टर 20। तो गाइज अभी ये देख लो सेक्टर 20 का रथ यात्रा है। यहाँ पे देख रहे हो ना गर्ल्स लोग कितना एकदम हिम्मत दिखा के रथ यात्रा का वो जो रस्सी रहता है उसको खींच रहे थे। तो बस अभी सेक्टर 20 का रथ यात्रा एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मस्त गाना बज रहा था, सब लोग डांस भी कर रहे थे। आगे आगे ब्लॉग में देखते रहो, बहुत मज़ा आएगा। Oh,
तो गाइज ये था टोटल रथ यात्रा का ब्लॉग एंड बहुत ज्यादा भीड़ हो रखा है, लाइक इतना ज्यादा भीड़ है कि प्लीज मतलब आप लोग भी सेफ्टी से ही रहे होंगे होपफुली। तो चले गाइज आज के ब्लॉग को ही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।